हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। वी आर डूइंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में क्या देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी अच्छा है कि डिक्टेटरशिप अच्छा है। ठीक है, अभी पिछले क्लास का बात करें हम तो डेमोक्रेसी प्रोड्यूस अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में बात किया था। हम लोगों ने अकाउंटेबिलिटी का मतलब समझा दिया था, रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब समझा दिया था, लेजिटिमेट होने का मतलब समझा दिया था। अकाउंटेबल होना मतलब किसके लिए, पीपुल के टुवर्ड्स। पीपुल के टुवर्ड्स क्यों अकाउंटेबल होगा भाई, क्योंकि उसको पता है कि उसको जनता ही वोट देकर पहुंचा रहा है। अगर जनता उसको वोट देकर ना पहुंचाए तो वो सरकार नहीं चला पाएगा, मतलब जो किंगशिप टाइप का जो अपने आप को राजा समझने लगा है वो राजा नहीं बन पाएगा। सिंपल सी बात है, लोकतंत्र का राजा मतलब चुना हुआ लीडर, सिंपल सी बात है। रिस्पॉन्सिबल होना कहाँ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना भाई, जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल कहाँ पे होगा, पार्लियामेंट में होगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूटिव सेक्शन होता है गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है, वो पूरा का पूरा पार्लियामेंट के लिए क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है। मतलब वो किस तरीके का एक्ट लेके आ रहा है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन कर रहा है, कितना पैसा लगा, वो पूरे के पूरे जो पार्लियामेंट होता है उसमें क्या होता है, डिस्कस होता है। अगर कोई भी मतलब मंत्री हो, ठीक है, जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल कोई भी मंत्री हो, और उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाए, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन ये होता है कि जनरली कि ये जो आपका मंत्री है भाई झूठ बोल रहा है, हमको इस पर विश्वास नहीं है, इसलिए जो पूरा का पूरा पार्लियामेंट है मिलकर 50 लोगों का मिनिमम साइन चाहिए रहता है, तो वो क्या कराएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कराएंगे। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है जिसको कैबिनेट बोला जाता है, एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर, पूरा का पूरा सरकार क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, और उनको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से बनता है। लेजिटिमेट होना मतलब क्या, कि देखिए भाई सिंपल सी बात है कि आपको बनना है यहाँ आपका लीडर, तो लीडर कौन चुनेगा, जनता चुनेगा। जनता किसके थ्रू चुनेगा, इलेक्शन के थ्रू चुनेगा। अगर उस इलेक्शन में आप किसी टाइप का करप्ट प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जो मन नहीं, कि मान लीजिए आज मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और कल को बोलेंगे कि देखो भाई इलेक्शन इलेक्शन छोड़ो, हम किसी का नाम रिकमेंड कर रहे हैं उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। लेजिटिमेट होना चाहिए, इलेक्शन के थ्रू होना चाहिए, और इलेक्शन होना कंपलसरी है क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो अकाउंटेबिलिटी ये मतलब दिखा दे कि डेमोक्रेसी का क्या पूरा का पूरा सिनेरियो होना चाहिए, एक लीडर और एक जो पॉपुलर मासेस है उनके बीच का रिलेशन। डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं हो पाएगा। डिक्टेटरशिप अगर मान लो इंडिया एक डिक्टेटरशिप होता तो कल मोदी जी जिसको मन तो उसको बैठा देते हैं, कल को राहुल गांधी बनता तो राहुल गांधी जो मन तो कर देता, जनता के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर में आ गया कि डिक्टेटरशिप से अगर कंपैरिजन करें तो। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सारे जनता को एकोमोडेट करना होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा इस तरीके से कि भाई किस किस कंट्री में, जो पाकिस्तान था उसको वहाँ के लोगों को कोई मतलब नहीं है किसी टाइप का गवर्नमेंट हो। बाकी जितने भी लोगों से पूछा गया वहाँ पे, उन लोगों ने बताया जितने भी, साउथ अफ्रीका हो जाए आपका और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से जो जो यहाँ पे आया हुआ था उसका देख लेते हैं, कौन कौन कंट्री था, बांग्लादेश था, श्रीलंका था। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ही साथ दिया और बोला कि नहीं हमको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही चाहिए। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, यहाँ पे डेमोक्रेसी हो या ना हो उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला सिचुएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला सिचुएशन। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला सिचुएशन सबसे पहले ये समझ लीजिए पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पहले समझ लेंगे पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, टोटल जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, अगर हमारे देश का जीडीपी जितना भी हो, मान लो हमारे देश का जो जीडीपी है वो पूरा का पूरा 1000 रुपये मान के चलते हैं, ठीक है, 1000 रुपये मान के चलते हैं, ठीक है, 1000 रुपये मान के चलते हैं, और यहाँ का पॉपुलेशन क्या हो गया आपका 10 हो गया, 10 है, तो इसको अगर कटा देंगे तो 100 रुपये आएंगे। और मान के चलते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अब 130 करोड़, 3 ट्रिलियन, उतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना अभी आप लोगों को, बाद में भी जाके नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप समझने के पर्सपेक्टिव से इसको समझ लीजिए। एक आदमी पर 100 रुपये आता है, ठीक है, अगर मान लीजिए उस कंट्री में 5 ही लोग हो, 1000 रुपये हैं और 5 ही लोग हो, मान लो इंडिया में पूरा का पूरा 5 ही लोग हैं, तो 200 पर आएगा। तो मतलब पॉपुलेशन एक फैक्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, पॉपुलेशन फैक्टर है। और दूसरा दूसरा क्या फैक्टर हो सकता है कि आपके जो नेबर कंट्री में उनसे क्या रिलेशन है,
और वहाँ पे किस तरीके से हालात चल रहे हैं। अभी रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा था तो गेहूँ का सप्लाई बंद हो गया, गेहूँ का सप्लाई बंद हो गया तो बहुत लोग भूखे मरने लगे, क्योंकि हमारा जो जियोग्राफिकल कंडीशन होता है वो सिमिलर टाइप के ही और बहुत स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज को ही सपोर्ट करता है। जैसे इंडिया है, इंडिया में तेल नहीं मिलता है, अगर इंडिया में तेल नहीं मिलेगा तो सऊदी अरबिया से उसको परचेस करेंगे या हम लोग यूएसए से इम्पोर्ट करेंगे चाहे रसिया से इम्पोर्ट करेंगे जहाँ पे ऑयल प्रेजेंट है। और मान लो पूरा का पूरा यूएसए रसिया वगैरह वगैरह में और आपका जो भी ओपेक कंट्री है, ओपेक कंट्री मतलब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री वाला जो हो गया ईरान, तो यहाँ पे कोई टाइप के युद्ध छिड़ जाए तो लोग तो इम्पोर्ट तो एक्सपोर्ट तो नहीं कर पाएंगे, और एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हम लोग क्या है तो गाड़ी वगैरह चल नहीं पाएगा। तो टर्सरी सेक्टर में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि पूरा का पूरा टर्सरी सेक्टर इम्पैक्टेड हो जाता है इस तरीके से, हर एक चीज़ का कॉस्ट बढ़ जाएगा। और मान लीजिए सऊदी अरबिया में ही युद्ध चल रहा है, हमको यूएसए से ही मंगाना पड़ रहा है, कि सऊदी अरबिया इज मतलब सऊदी अरबिया से इम्पोर्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू यूएसए। यूएसए से इम्पोर्ट करेंगे तो इम्पोर्ट चार्ज हमारे यहाँ ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो हमसे दूर सिचुएटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से जो वर्ल्ड वाइड सिचुएशन होता है वो भी आपकी इकोनॉमी को डिपेंड मतलब किसी तरीके से अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये वाला सिचुएशन हो गया एक तरीके से। कोऑपरेशन फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रायोरिटीज मतलब आप किस तरीके का पॉलिसी लेके आ रहे हैं। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज तो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ में आप किस तरीके का पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, आप कैपिटल सेक्टर पे इन्वेस्ट करने वाले हैं या सोशल सेक्टर पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और कैपिटल सेक्टर पे इन्वेस्ट कीजिएगा तो हो सकता है कि रेवेन्यू जनरेटिंग हो, आपका जीडीपी अच्छा खासा बढ़ जाए, लेकिन आप सोशल सेक्टर पे इन्वेस्ट कीजिएगा तो वो पैसा एक तरीके से आप दान दे रहे हैं। जैसे हम देखिए दान देना चाहिए, हम किसी को मतलब किसी भी सेक्टर को ये नहीं बोले कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक्स के परस्पेक्टिव से समझे तो यही हमको समझ में आएगा। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों को दान करना है, दान कर दें तो पैसा गया, वो तो इन्वेस्टमेंट वो हो गया, एक तो इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। अगर मान लो किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वहाँ पे एम्प्लॉय जनरेशन होगा, उसको भी पैसा मिलेगा और मेरा धंधा भी आगे बढ़ेगा, मेरा बिजनेस भी आगे बढ़ेगा, मेरा इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगा। लेकिन किसी एक सेक्टर को दे देते हैं प्रॉपरली हम कि तुम क्या करो भाई कि देखो यहाँ पे तुम जाओ दान दे दो, कोई गरीब लोग उनको खाना खिला दो, राशन फ्री में बंटवा दो, तो ये सब क्या हो गया सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इससे क्या होता है हमारा पूरा का पूरा रेवेन्यू जनरेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, हमारा पूरा का पूरा पैसा मतलब एक तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट की तरह काम करने लगता है। तो ये पूरा का पूरा ये था। तो इसमें हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप कहाँ किस टाइप के गवर्नमेंट का अच्छा आउटकम है। ठीक है, यही हम लोग को देखना है। चलिए ये वाला समझ गए हम। जहाँ तक हम लोगों ने देखा है ये फिगर क्या बताता है कि जो रिच रिच लोगों के पास है उनके पास। हाँ चलिए ठीक है, एक पर कैपिटा इनकम में एक और कंसेप्ट है, भूल गए थे बता रहे थे आपको। पर कैपिटा इनकम में एक और कंसेप्ट है, जैसे मान लीजिए 200 रुपये एवरेज आ रहा था पर पर्सन 200 रुपये एवरेज आ रहा था। ठीक है, 200 रुपये एवरेज आ रहा था तो क्या सबके पास 200 रुपये है? क्या हमारा जो GDP है अगर सबको डिवाइड किया जाए तो सब लोग इक्वली अमीर? यहाँ पे भी तो अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंसेस होता है। ठीक है, उस 200 रुपये में से किसी के पास 170 रुपये होगा, किसी के पास 30 रुपये होगा, इस टाइप का सिनेरियो होगा एग्जैक्टली में। ठीक, तो वहीं ये वाला सिनेरियो दिखाया जा रहा है कि जो रिच है, टॉप मोस्ट रिच है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मिडिल क्लास के पास थोड़ा बहुत पैसा है, गरीब लोगों का बेड़ा गर्क हो गया है। ठीक है, यही इस चीज़ में दिखाया जा रहा है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। ठीक, इसी चीज़ को हम लोग चार्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। चार्ट के हिसाब से देख लेते हैं कि NCERT में बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट दिया हुआ है, इसके हिसाब से देख लेते हैं हम लोग। ठीक, देखिए ऑल डेमोक्रेटिक रिजिम में, ठीक है, ग्रोथ रेट कितना है आपका? 3.95% है, 3.95% है। डिक्टेटर रिजिम में कितना है? 4.42 है। पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटर, उनका भी ग्रोथ अच्छा है, मतलब ग्रोथ परस्पेक्टिव से देखा जाए तो डिक्टेटरशिप वाले जितने भी कंट्रीज हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अगर हम इनइक्वालिटी ऑफ इनकम में देख लेंगे सेलेक्टेड नेशन का, तो टॉप 20 के पास जितने भी आपका डेमोक्रेटिक रिजीम है, जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, वहाँ पे इस तरीके से देख लीजिए आप। साउथ अफ्रीका में 64.8% है, और बॉटम के पास 64.8% जो पैसा है कंसंट्रेटेड है टॉप 20% रिचेस्ट आदमी के पास, और बॉटम 20% के पास कितना है? 2.29 है। उसी तरीके से आप देख लीजिए कि पूरा का पूरा खस्ता स्थिति है डेमोक्रेसी में, अगर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने का बात किया जाए तो। ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने का बात किया जाए तो ये सिंपल सिंपल सी बात है, ये आपको समझना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी में हम लोगों ने देख लिया है कि जो जो डेमोक्रेटिक रिजीम है, इन एक्चुअल लाइक डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ये वाला देख लिए। इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो टॉप 20% लोगों के पास ही है, जैसा कि हम लोग आप
डाल दीजिएगा एग्जाम्पल, साउथ अफ्रीका में देखें, ब्राजील में देखें, हंगरी में देखें, तो ये पूरा का पूरा, तो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट डेमोक्रेसी डज नॉट हैव इफिशियंट इम्पैक्ट ऑन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये आप लोग डाल सकते हैं। ठीक, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी देखते हैं। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी में इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। जैसे हम बेल्जियम का एग्जाम्पल लेंगे, बेल्जियम वाले केस में क्या हुआ था, बेल्जियम वाले केस में देखिएगा कि पूरा का पूरा एक फ्लेमिश रीजन था, कोलोनिया रीजन था, वहाँ पे डच और फ्रेंच के बीच में, और एक जर्मन थे जो माइनॉरिटीज में थे। ठीक है, तो डच क्या था, उल्टा सिनेरियो था कि पूरे पूरे कंट्री में जो डच थे वो 59% पूरा का पूरा पॉपुलेशन था, मेजोरिटी में थे। ठीक है, लेकिन ब्रुसेल्स जो मतलब ब्रुसेल्स जो बेल्जियम का राजधानी था, वहाँ पे क्या थे, 80% फ्रेंच थे और 20% डच थे। ठीक, तो इन लोगों में क्या होता है, एक किसी टाइप का इनसिक्योरिटी पैदा हो जाता है कि जो फ्रेंच है वो ज़्यादा रिच है हमसे, डच को ऐसा लगता है हम लोग मेजोरिटी में है, तो एक सिविल वार लाइक टेंडेंसी क्रिएट हो जाता है। तो वहाँ का जो गवर्नमेंट होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने का पूरा प्रोविजन लेके आता है, तो इसी को प्रूडेंशियल रीजनिंग बोलते हैं हम। ठीक है, श्रीलंका में आप लोगों ने देखा किस तरीके से 1956 में वहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको सिन्हाला को बना दिया जाता था, वहाँ पर सिविल वार लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एकोमोडेशन नहीं हो पाया सोशल डाइवर्सिटी को। सोशल डाइवर्सिटी का एकोमोडेशन मतलब होता है सोशल डाइवर्सिटी को क्या करना, कि पूरा का पूरा सोशल डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखना, किसी भी टाइप का सोशल डाइवर्सिटी हो, या कल्चर के बेसिस पे, या लैंग्वेज के बेसिस पे, या रिलीजन के बेसिस पे, उसमें इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो कि वो जो सारे कम्युनिटी है एक दूसरे के खिलाफ इनसिक्योरिटी पैदा ना हो, और सारे के सारे कम्युनिटी अच्छे से शांतिप्रिय से फर्टर्निटी के साथ रहें। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इस जो डिडक्शन, जो भी आपका एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी था, इसका पूरा का पूरा क्या है, थीम है कि भाई डिक्टेटर वाले रिजिम में अच्छा होता है कि डेमोक्रेसीज में अच्छा परफॉर्म करते हैं। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो हम, नो सोसाइटी कैन फुल्ली परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द डिफरेंट ग्रुप, हाउएवर वी कैन लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेज एंड वी कैन इवॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंसेज। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सुटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम, द एबिलिटी ऑफ हैंडल सोशल डिफरेंसेज डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स प्लस पॉइंट ऑफ द डेमोक्रेसी रिजिम, बट द डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव द आउटकम। दो कंडीशन क्या करना चाहिए उसको अचीव, मतलब दो कंडीशन फुलफिल तो करना ही पड़ेगा दिस आउटकम को अचीव करने के लिए। सबसे पहले क्या कि मेजोरिटी क्या करे, मेजोरिटी माइनॉरिटी के साथ भाईचारे से रहे, ठीक है, पहली चीज़। और माइनॉरिटी को कभी ये नहीं करे कि जो पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट चल रहा है वो मेजोरिटी के बेसिस पर चल रहा है, ठीक है, वो क्या देख लेते हैं, वो समझा लेंगे। द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू बी वर्क विथ द माइनॉरिटी, ठीक है, मेजोरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के साथ काम करना है, माइनॉरिटी को मेजोरिटी के लिए काम नहीं करना है, साथ मिलकर काम करना है, मतलब फैटर्निटी का कॉन्सेप्ट आ गया है यहाँ पे, फैटर्निटी मतलब भाईचारा। सो द गवर्नमेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू, रूल बाय मेजोरिटी मींस दैट द इन द केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन द केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन और ग्रुप में और कैन फॉर्म ए मेजोरिटी, ठीक है। जैसे क्या होता है कि यहाँ पे जो ग्रुप के बेसिस पे हम लोग का मेजोरिटी, देखिए सिंपल सी बात है, आप लोग अलायंस वगैरह के बारे में सुने होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज मिलकर क्या बनाती है, अलायंस बनाती है। तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट ग्रुप को, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस माइनॉरिटीज को, डिफरेंट डिफरेंट लिंगुअल माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करती है, तो कभी उनके साथ मेजोरिटी में गवर्नमेंट बना लेंगे, कभी उनके साथ मेजोरिटी में गवर्नमेंट बने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही गवर्नमेंट बार बार बन रहा है तो डेमोक्रेसी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि हमको मेजोरिटी जो होगा नीड्स टू बी वर्क विद द माइनॉरिटी, ठीक है, ये हो गया। और जो मेजोरिटी है उसी का गवर्नमेंट हमेशा फॉर्म नहीं करना चाहिए, और मेजोरिटी जो होता है वो हमेशा चेंज होते रहना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को अलग देखिए, आप इतना अभी के लिए पढ़ लीजिए, इसको इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बस इतना समझ लीजिए कि जो हमारा कोलिशन गवर्नमेंट होता है, कोलिशन गवर्नमेंट हमेशा एक ही गवर्नमेंट के साथ फॉर्म करके कोलिशन गवर्नमेंट ना बने। कभी जो आपका कांग्रेस के साथ जो कोलाइट किए हुए हैं, कभी बीजेपी में आ गए, कभी बीजेपी के साथ कोलाइट किए हुए हैं, कोलिजन बनाए हुए हैं, तो वो उसमें चले गए, कांग्रेस में चले गए। इस तरीके से सोशल रिप्रेजेंटेशन और एक जो पूरा का पूरा लीडर के मन में डर बैठा हुआ रहता है मेरे हारने का, खुद को हारने का, वो बना रहता है, और पूरा का पूरा जो डेमोक्रेसी चलाया जाएगा, जो एग्जीक्यूटिव होगा, हर एक लिंगुअल माइनॉरिटी हो, रिलीजियस माइनॉरिटी हो, या किसी तरीके से मार्जिनलाइज सेक्शन और ट्राइबल पीपल हो, सबको ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे उसका एग्जांपल आप डाल सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू है, एक ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, आज देश की प्रेसिडेंट है, तो मतलब उस वो पूरा का पूरा जो ट्राइबल कम्युनिटी होगा उसको ये लगेगा नहीं चला, हमारे लोग भी गए हैं एग्जीक्यूशन में, हमारे लोग भी भारत के जो डेमोक्रेसी ऊँचे ऊँचे पद पर जा रहे हैं,
वो जो पूरा का पूरा सेक्शन है अपने आप को मार्जिनलाइज और डिप्राइव्ड नहीं समझेगा। सिंपल सिंपल, चलिए ये वाला क्लियर हो गया। और इस चीज़ में एक पिक्चर भी दिखा देते हैं आपको। ये पिक्चर है, देखिए ये इनमीज है, ग्रीटिंग है, दोनों को साथ में मिलकर रहना चाहिए, ठीक, एक तरीके से एक दूसरे से इनमीज है, दोनों को साथ में मिलकर रहना चाहिए। मतलब एक एक क्या होता है, एथिकेट्स जो होता है मेंटेन करके वो मतलब रखना चाहिए पूरा का पूरा। कितना भी डिफरेंसेज हो, उस डिफरेंसेस को हम लोग को इन्जॉय करना सीखना चाहिए, रैदर देन उस डिफरेंसेस को कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट करवा देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून विथ आदित्य क्लासेज।